हेलो गाइस, आज का ब्लॉग शूट करने जा रहा है बर्थडे बॉय। आज है 30 सितंबर और आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। आज ये बर्थडे बॉय हो गया 5 ईयर्स ओल्ड और मैं मिलता हूँ माँ के। बाय। हेलो गाइस, ये देखिए अभी पार्थ की ऑनलाइन क्लास चल रही है। पार्थ की ऑनलाइन क्लास 11 बजे तक चलेगी। इसके बाद जैसे ही पार्थ की क्लास ख़त्म हो जाएगी हम सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे कि हमारे घर आज गेस्ट आने वाले हैं। पार्क की बुआ पुप्पा सब आने वाले हैं। बहुत सारा काम अभी स्टार्ट करना है, अभी हम बिल्कुल भी फ्री नहीं हुए हैं। ओके गाइज, हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, सब्जी बनाएंगे। आज सब्जी मैं बनाऊंगा। हम साइड पनीर बनाने जा रहे हैं और इसका मैंने सामान रेडी कर लिया है। हम 1 किलो पनीर बनाने जा रहे हैं और इसका सामान दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 8 प्याज लिए हमने और 4, 8, 12 टमाटर लिए हैं 1 किलो पनीर के लिए, और ये 20 ग्राम अदरक है और 4 हरी मिर्च हैं। अब हम पहले प्याज को काट लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। सिर्फ प्याज प्याज को फ्राई करना है। ये हम 2 चम्मच सरसों का तेल ले रहे हैं। हम इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा तेल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे अब हम इनको मिक्सी में पीस देंगे। ये देखिए हमारे प्याज रेडी हो चुके हैं, हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल के मिक्सी में पीस लेंगे। हमने प्याज को मिक्सी में पीस लिया है। अब ऐसे ही हम टमाटर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे और इसको हम कढ़ाई में पहले प्याज को डालेंगे फिर टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये हमने प्याज का पेस्ट इसमें डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं। मिनट तक हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। जैसे ये तेल छोड़ने लगेगा हम इसके अंदर मसाले डालने स्टार्ट कर देंगे। अब हमारी इसने टमाटर की जो पेस्ट था इसने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। मैं इसके लिए स्पेशल मसाले लेके आया हूँ शाही पनीर के। ये SDS का मसाला है शाही पनीर का। ये इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, हमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना, ना ही इसमें नमक डालना है। ये हमने इसके अंदर मसाला डाल लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसका अमूल क्रीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 250 ml की क्रीम है। ये 1 किलो पनीर में मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्रीम डालने के 2 मिनट के बाद मैं इसमें 1/2 किलो दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे को दूध वाली ग्रेवी जो है थोड़ी अच्छी लगती है, गाढ़ी गाढ़ी लगती थी, पानी से डाल थोड़ी गई पत्ती पत्ती हो जाती है। अब मैं इसमें किसान सॉस डालने जा रहा हूँ। ये हमें 2 चम्मच किसान सॉस इसमें डालनी है। अब टमाटो सॉस के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे धीमी आंच पर, थोड़ा पक जाएगा ये। ये देखिए अब हमारी रेडी हो चुकी है ये, और अब इसमें पनीर डालने जा रहे हैं। पनीर के छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए थे। ये रेडी हो रही है छोले की ग्रेवी जो कि मैंने बनाया है। अभी ग्रेवी रेडी हो रही है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा पनीर हमने डाल लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। जैसे ये पक जाएगा फिर हम इसको गैस को बंद कर देंगे और हमारा पनीर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा पनीर रेडी हो चुका है और ये हमारे छोले रेडी हो रहे हैं। अभी 10 मिनट में ये भी रेडी हो जाएंगे। तो हमारी दोनों सब्जियां रेडी हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम डेकोरेशन का काम करेंगे और क्योंकि इसके बाद हमारी सिस्टर का आने का भी टाइम हो जाएगा, वो शाम तक आ जाएंगी 4-5 बजे तक। तो अभी हम और बिजी हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। और उनको शाही पनीर बहुत पसंद है और मेरे हाथ का, और मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने शाही पनीर स्पेशल उनके लिए बनाया था। अब हम डेकोरेशन के लिए जाएंगे। ये देखिए हमारे छोले की सब्जी भी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम धनिया डालेंगे। ये मेरा धनिया डाल दिया। ये अब पार्थ के बर्थडे की डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है। पार्थ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये
तो गाइस पार्थ के बर्थडे की डेकोरेशन चली हुई है। पार्थ बहुत ज्यादा खुश है। पार्थ कैमरे के सामने आओ बेटा, बताओ आप हैप्पी हो? यस। देखिए गाइस, मेरे बर्थडे की डेकोरेशन हो रही है और मेरे मम्मी पापा सुबह से लगे हुए हैं, कभी सब्जी बना रहे हैं। ये देखिए गाइस, पार्थ के बर्थडे की डेकोरेशन हमने कर दी है। ये देखिए पार्थ के बर्थडे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अरे शर्मा क्यों रहे, क्या हो गया? थोड़ा कैमरे में तान दे, बंद कर दे। इतनी खूबसूरती जो है कैमरे में तान दे, सन दिखने दे। अच्छा क्या लगा रखा है वो, इतनी देर से बैठी घंटे लगाई ने? हैं, सीक्रेट है, सीक्रेट। सीक्रेट है। अगर चौक लगा रखा है इसका पार्थ के, वो जो स्लेट वाला चौक हुए हैं जैसा लगे, पाउडर से लगा रखे हो, मन तो वही लग गया। और ये देखिए पार्थ की बर्थडे की डेकोरेशन तो हो गई, अब ये मैडम अपनी डेकोरेशन कर रही हैं। सारी आँख काली कर ली हैं, ये देखो आँख दिखाई भी नहीं दे रही। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हो गए आप रेडी? नहीं अभी मैं लेट हो रही हूँ, गेस्ट आने वाले हैं, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है जी, अब बाद में बात करेंगे जिनसे। अभी रेडी नहीं हूँ मैं। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। कैसा लगा पार्थ? क्या ये घुमा के दिखाओ, मैं भी कैसे कलर की है, रेड कलर? वाओ। और अपने फ्रेंड को बोल दिया आपने बर्थडे पे आने के लिए? हाँ। किस किस को बोल दिया? मतलब सबको बोला। सबको बोल दिया? ठीक। आई एम ऑल सेट फॉर पार्टी, बट ये देखिए, ये जब से इन्होंने डेकोरेशन किया तब से ये यही काम पे लगे हुए हैं, बार बार ये गिर रहे हैं और बार बार ये इनको सेट कर रहे हैं। चल रहा है ना? ये देखिए हमारे गेस्ट आ गए हैं, देर में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ये धीरे आगे आ रहे हैं जहाँ में फंसे हुए थे राजधानी पार्क में, सुबह से इंतजार कर रहे हैं इनका। ये दूसरी सिस्टर के बच्चे आ रहे हैं, ये ध्रुव है और ये बीच में मिंटू है, और ये दो सैतान लड़की आ रही हैं अवनी आकांक्षा, और साथ में इनकी मम्मी आ रही पीछे पीछे। ये कल बहुत, इन दोनों ने कल बहुत झगड़ा किया था, हमारे टॉयज नहीं आए, हमारे खिलौने नहीं आए। ये इनकी मम्मी हैं, ये ट्विंस बेबी हैं, ये देखो बहुत सुंदर लग रही हो। शर्म आ गई, आओ जी नमस्कार। ये हमारे जीजा जी आए हैं। मिक्कू आ गया, मिक्कू तू दबा कटवा रहा, गंजा हो गया रे तू तो। अरे ओए हीरो गंजा हो गया तू, तेरे ब्लॉक में ले लिया तू। ये है भव्य डांसर, ये बहुत अच्छा डांस करता है। और बताओ भव्य अपने बारे में। और मैं पार्थ का फ्रेंड हूं। हां अवनी कौन सी, अवनी का नाम, अपना नाम बताओ, क्या नाम आपका? आपका नाम? आकांक्षा। अच्छा ये मेरी सेकंड सिस्टर के ट्विंस बेबी हैं, इनका नाम है अवनी और आकांक्षा। ये बहुत ही शैतान लड़कियां हैं, इतनी शैतान है कि मुश्किल से ही कोई होगा धरती पे इतना शैतान बच्चा, बहुत शैतान है ये दोनों। और कैसे हो आप? हम अच्छे हैं। ठीक। चिंटू किसका नाम है? मेरा नाम है। और मिंटू किसका नाम है? मेरा। अच्छा ये मेरी छोटी सिस्टर के ट्विंस हैं, ये है ध्रुव, ये मेरी सेकंड सिस्टर का बेटा है, ये बहुत समझदार बहुत इंटेलिजेंट है, ये 12 साल का है और वो काफ़ी हट्टा कट्टा है। वो ध्रुव कैसा है? अच्छा हूँ संदीप मैम। और वो सुनाओ अपने बारे में, क्या अच्छा लगता है आपको, कौन सी गेम खेलनी चाहती है? मुझे तो वो वाली गेम खेलनी पसंद है, कोई भी गेम खेल लेता हूँ, मुझे सभी गेम अच्छी लगती हैं। ये देखिए मेरा छोटा भाई लग रहा है, कितना बड़ा हो गया ये। Happy birthday to you.
फूक मारो। कैसा लगा आपको चिंटू केक? बहुत अच्छा। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अवनी एंड आकांक्षा ट्विन्स, अरे केक के बारे में, आप किसी और चीज के बारे में भी बोल सकते हो भाई। व्हाट अबाउट बर्थडे पार्टी? हेलो ध्रुव, द केक वाज वेरी नाइस। ओके, एंड द बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन इज आल्सो गुड। पार्ट, यू वांट टू से समथिंग? ये देखिए गाइस, बच्चों की पार्टी हो रही है। क्या खा रहे हो भाई तुम? ध्रुव, बहुत ही अच्छा खाना है, वेल डन। आप एकदम शेफ है। ये देखिए, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। अरे मत, बन गई पूरी कड़ी, रह रही थी खाना, नहीं रह रही अभी, बना रही है। हाँ सिस्टर जी, आपने खा लिया खाना? अभी खाना खिलाई रहे हो, खिलाई रहे हो। ये आज मेरे बेटे बर्थडे है, आज हम पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसके दोनों ताऊ ऊपर बैठे हुए हैं हमारे साथ में। ये देखिए, हुण गल्लां नहीं करदे पिए वीरे, असीं तो इंजॉय करदे पिए हर हर महादेव। फुल्ली एंगोर उसका हमारे, हम लोगों को, और हमारे एक बीच वाले भैया हैं, वो भी बाहर गए हुए। आओ भैया, आप भी आओ। आई कॉन्ट्रैक्ट्स मैन, आओ आओ। प्यार खत्म हो गए, और इन भैया को हम जबरदस्ती खाना खिला रहे जाने वाले थे। सो मच अबाउट माय सेल्फ, मैं मजा बड़ा ये नतरी बनाऊंगा। सो मच अबाउट, और ये हमारी, आई एम विद माय मॉम खजानी, ये हमारी मम्मी अभी तक बैठी हुई हैं, सो गई थी, पर भैया ने अभी उठा दिया इनको।